तो एक शेर से शुरू करना चाहूँगी कि मेरे जाने के बाद कुछ इस तरह तड़पोगी, याद करोगी, पछताओगी तुम. कि मेरे जाने के बाद कुछ इस तरह तड़पोगी, याद करोगी, पछताओगी तुम. लड़के तो तुमको बहुत मिलेंगे, लड़के तो तुमको बहुत मिलेंगे, पर मुझे नहीं भूल पाओगी तुम. तो मेरा नाम शिवानी है, परम जी ने बताई दिया है, और मैं I'm 15. तो मैं अपनी पहली कविता शुरू करना चाहूँगी जिसका नाम है महफिल. नजरें झुकी पलके उठी, नजरें झुकी पलके उठी, मेरी ये याद कोई मदहोशी की, कलाकार कही मुलाकात वही, ये बात किसी महफिल की थी. मेरे एक हाथ में किताब थी और दूजे में शराब, किताबी उन पन्नों में कही कैद थी मेरी कही सी एक अनकही बात. जाम बने अनगिनत पिए गए, जाम बने अनगिनत पिए गए, कहने को जश्न बहारा था, एक गुजरा मुसाफिर लौट कर दे के दिल फिर से घबराया था. अल्फाजों से कुछ बयां किया था, अल्फाजों से कुछ बयां किया था, लफ्जों से जिसे तराशा था, इंसान वही था ये जिसे दिल से सीधा कागज पर उतारा था. मन में कई बातें उमड़ रही थी, चेहरे पर एक राहत सी थी, मन में कई बातें उमड़ रही थी, चेहरे पर एक राहत सी थी. सोचा चलकर आँख ही बढ़ लूँ, आँखों को उसकी आदत तो थी. धीरे धीरे कदम बढ़ाए, धीरे धीरे कदम बढ़ाए, सांसों पर गर्माहट सी थी, होठों पर मुस्कान लिए मैं उसके राहे जा पहुँची. मन झिझक गया, दिल सहम गया, मन झिझक गया, दिल सहम गया, जबान लड़खड़ा कर संभल रही थी उसके बगल में, किसी और को देख मेरी नासू की शिकायत कुछ जमी नहीं थी. रिश्ते टूटे टूटे नाते, रिश्ते टूटे टूटे नाते, फिर भी हो जाना आज इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो. एक बात पूछना चाहूँगी तुमसे, ऐसा कौन सा दुख है जो आज भी दिल में लिए चले जा रहे हो. खैर, किससे कितने ही अधूरे रहे, किससे कितने ही अधूरे रहे, कहानी की तलाश है. कोई नगर मोहल्ला तो हम भी ढूंढ लेते, कोई नगर मोहल्ला तो हम भी ढूंढ लेते, मगर इन महफिलों की कुछ और ही बात है. तो इसका अगला पीस शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोगों को चाय पसंद है. मुझे उम्मीद थी, मुझे भी चाय बहुत पसंद है, चाय मेरा भी प्यार है, लेकिन उस वक्त चाय की जगह पर हुआ करती थी वो. तो शुरू करूंगी कि आज मेरे लिखने का मकसद कुछ अलग है, आज मेरे लिखने का मकसद कुछ अलग है, आज मेरी इन बातों में तेरी यादों के अलावा उन सभी ख्वाबों का जिक्र है जो कभी तुमने और मैंने साथ सजाए थे और जो पूरे होने से पहले कहीं बिखर गए. तुम्हारे साथ देखा हर एक सपना मुझे आज भी डराता है, तुम्हारे साथ बीती उन मुलाकातों को वक्त की इन कड़ियों में जोड़े रख, याद रखने के ख्याल से ही मेरा मन भी कतरा जाता है. लेकिन ख्यालों में ना सही तो अल्फाजों में तुमको अपने कैद करके रख लूँ, ये ख्याल भी मुझे बहुत बार आता है, मगर ऐसा करना मेरे लिए खुदगर्जी होगी, क्योंकि तुम जो मेरे साथ अब नहीं हो तो तुम्हारी नामौजूदगी को मुझे मंजूर करना पड़ेगा, तुम्हारी नामौजूदगी ही मेरी सच्चाई है. तो यार अब ऐसा होता है ना कि when someone leaves you, you don't really miss the person, but you think about the memories. तुमको इंसान और अंजाम उतना याद नहीं आता जितना तुम्हें उसकी यादें याद आती है. तो अगले पैराग्राफ में ऐसी कुछ यादें हैं जो मैं बताऊंगी कि याद नहीं होगा तुम्हें, याद नहीं होगा तुम्हें, लेकिन तुम्हारी कुछ बातें हैं जो मुझे बेहद पसंद थी. कि जब तुम मेरे कंधे पर अपना सर रख के एक जानी पहचानी सी किसी धुन को गुनगुनाया करती थी, और तभी अचानक से उठती और कहती कि सुनो सुनो, मुझसे खूबसूरत अगर कोई और तुमको मिल जाएगी तो क्या छोड़ दोगे मुझे. और मैं मजाकत से भरी एक मुस्कान के साथ तुम्हारे आंखों पर आते हुए तुम्हारी जुल्फों को तुम्हारे कान के पीछे रखते हुए कहता कि हाँ जरूर, अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते. और फिर गुस्से में ऐड तो जाया करती थी तुम, पर मेरे बिना रह भी नहीं पाती थी. कैसा था वो वक्त जब तुम्हारे लिए मेरे कितने मायने थे, जब मैं तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी था, जब सूरत तो दूर तुम महज मेरी खुशबू से महक जाया करती थी, और बातें तो अपनी करती थी पर जिक्र हमेशा मेरा लाया करती थी. तो तुमने मुझसे घर का वादा मांगा था, तुमने मुझसे घर का वादा मांगा था कि एक घर हो, बगीचा हो, कभी कभी बारिश हो, और इस बारिश में भीगते तुम और मैं. तुम कुछ फिल्मी सी थी, बोलती भी बहुत ज़्यादा थी. तो सरसराती हवाओं में तुम अपने दुपट्टे को अपने आंचल की कैद से
आज़ाद करके हवाओं में लहराना चाहती थी। तुम चाहती थी कोई एक ऐसा आशिक हो जो तुम्हारे लिए गाने लिखे, कविताएं लिखे, शायरियां लिखे। तुम्हारे सपने भी तुम्हारी तरह ही फिल्मी थे, और ऐसे ही तुम्हारे एक सपने को पूरा करने के लिए एक शायरी है जो मैं सुनाना चाहूँगा कि चलते वक्त के साथ जब कभी तुम्हारी ये जवानी, ये सुंदरता कहीं खो सी जाएगी, हो जाएगी गुम। कि चलते वक्त के साथ जब कभी तुम्हारी ये जवानी, ये अदाएं कहीं खो सी जाएगी, हो जाएगी गुम। उस वक्त भी आईने में नहीं मगर मेरे शब्दों में खूबसूरत लगोगी तुम। और मेरी ये जो कलम है कमबख्त अब भी ये तेरे बारे में लिख लिख कर थक चुकी है, शायद ये भी तेरी खूबसूरती से वाकिफ हो चुकी है। तो चाय जो मेरा पहला प्यार सा बन चुकी है, उस वक्त तुम उसकी जगह पे थी। कुछ अजीब यादें हैं तुम्हारी और मेरी चाय के साथ भी। तुम बेपरवाह कॉफी लवर और मैं चाय की चुस्कियों का शौकीन। पर हाँ, मेरे लिए कभी कभी जब तुम अपने कोल्ड कॉफी प्लस नॉवेल्स के सेशंस को छोड़कर दो चाय के कप मंगवाती, मेरे साथ बैठती और मेरे ही अंदाज में मेरी ही बातों वाले गपशप लगाती, तो मेरा दिल जीत लेती थी। बात छोटी सी है लेकिन तुम अपनी छोटी छोटी बातों में कितनी अच्छी चीज़ें कह जाती थी, इसका तुम्हें कभी अंदाज़ा नहीं होता था। और तुम्हारे इसी अंदाज को बरकरार रखने के लिए मैं तुम्हें कभी ये बातें नहीं बताता था। लेकिन आज जो तुम मेरे साथ नहीं हो तो ये सब बातें मुझे अंधेरे की किसी साए के साथ यादों के समंदर में धकेल रही है, जहाँ से लौट आना मेरे लिए अब तक नामुमकिन ही साबित हुआ है। लेकिन अब सोचता हूँ कि तुम्हें ये सब बता ही दूँ, लेकिन इतनी हिम्मत ना मुझ में कहने की और ना तुम्हें सुनने की, क्योंकि यादों और मुलाकातों के जिस सिलसिले को तुम और मैं बहुत पीछे छोड़ाए हैं, अब वहाँ जाकर भी लौट पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, शायद हूँ तो एक उम्मीद ज़रूर रखता हूँ कि एक दिन ऐसी ही किसी महफिल में बैठकर तुम ये सब बातें ज़रूर सुन रही होगी, लेकिन उस वक्त तक तुमको कॉफ़ी की जगह चाय पूछने वाला कोई नहीं होगा। थैंक यू सो मच।